आप कैसे याद करें? लिखना रहल बा ई रोनी सूरत हां ई हार मान चुकल बिया। एके लागता कि कल तनु जे कुछ भी कैलक ओही वजह से अभी ऐसे दूर बा। अब अभी एकरे नजदीक आ ही ना सकत। बस कहानी खत्म। दादी अब हमने दोनों भी का समझाए? हमने के भी ऐसे लग रहल बा। हाँ, ती अगर इना बोलती कि उनकर उस चंपा के साथ अफेयर चल रहल बा तो शायद बात कुछ और होत। देखनी, हम कहले रहनी ना इ दोनों के भी ये लागता। हम कब से दादी की समझावे की कोशिश कर रहल बानी कि अब ई लड़ाई के कोनो फायदा ही ना। कहे कि हम खुदे अपन पैर पे कुल्हाड़ी मार लेनी। हम जब खुदे एक्सेप्ट कर लेनी कि हमार के और के साथ अफेयर बा तो ई बात उनके दिमाग से निकल इम्पॉसिबल है। अरे बात ओकरे दिमाग में ना तोहरे दिमाग में घुस गई बा। डरपोक बाड़ा तू सबके सब हार मान गईला ना। अरे भूला गईला उ दूगो बाड़े हमी चार बानी और सबके सब तू लोग हार गईला। बैठा घरे। हम हार माने वालन में से ना बानी। अकेले बहुत बानी तनु खातर। पर दादी आप करी है का? पहले तो आप जीजू के मना ले रहनी की उद्दी के प्रपोज करे, लेकिन अब का कहीं आप कैसे समझाई बोके दी के अफेयर चले के बाद भी उस जीजू से ही प्यार करे नहीं। हाँ दादी, अब हमके लागत नहीं कि वो भाई एक बार आपकी बात सुनी है। ए बात ना तो हमरा पे छोड़ दा। हमके पता बा का करे के बा। और हम तो ऐसा कुछ कर भी देले बानी, मतलब आटा हम गूंद देले बानी। आटा? हाँ, आटा गूंद देले बानी और आटा में हम अभी के लपेट लेले बानी। देखा भी आटा गूंद के रखब तो सूख जाई और क्यों की काम ना आए? आटा बूंदी ना हमार मतलब जिस सिचुएशन हो वही सिचुएशन के हमने के फायदा उठावे के चाहिए, वरना बहुत लेट हो जाए। एम का निखिल के लैंग्वेज में बात करे जा रहल बानी, सीधा तरह समझावे के पड़ी। देखा भी प्रज्ञा तो की डिवोर्स देवे खातिर बहुत नचौलक है। जितना बार भी तू डिवोर्स मांगले हमेशा तो के ठेंगा दिखौलक है, लेकिन अब इस बार तू के रियलिटी दिखावो। वो खुद कन्फेस कर ले सबके सामने कि ओकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो तुहार पूरा हक बनेला उसे डिवोर्स मांगे के, और अगर कोनो हक ना बनेला तो हार शादी रुके के। अभी वो लाइफ में आगे बढ़ चुकल भैया तो तू वहाँ पे काहे खड़ा बड़ा? वो अब तुहार धर्म पत्नी ना रहा, वो के और के हो चुकल भैया। अभी तू भी ओके दिखा दे कि तुहार लाइफ में तोके ओकर जरूरत ना हा। अभी वो तुहार इमोशन के साथ ही खेल रहा भैया, तू ओके ओकर सजा द। अब एकरा हम कैसे समझाएं जौन दादी हमके समझेले बड़ी? कैसे बताएं कि जौन हम कल दिखनी जौन समझनी वो सब गलत बा? अभी अब का सोच रहल बाड़ा तू? अभी तू सिर्फ ये सोचा कि प्रज्ञा से डिवोर्स कैसे ले बतू? हम ओकरा डिवोर्स ना दे सकेली। ना दे सकेला मतलब? ना दे सकेली मतलब ना दे सकेली। पर काहे तोरे पास वो सारा वजह डिवोर्स लेवे के फिर काहे? ना काहे कि हम ओकरा डिवोर्स देके ओकरा साथ ज्यादती नहीं करे चाहत। ज्यादती कर रहल बानी दादी अब आप? हां दादी, एक तो वैसे भी हमनी के कुछ नहीं के समझ आवत और आप बात इतना गोर गोर घुमावत बानी। दादी आप सीधा सीधा बताई ना कि बात का बा। अच्छा बाबा बतावत बानी, बतावत बानी। हम ऐसा कुछ कहले बानी जेकरा से तनु जे मर्जी करत रहे, लेकिन बाजी हमनी के हाथ में ही रही। का कहले बानी आप? दादी के जादुई छड़ी से। देखा तू ओकरा के इग्नोर कैला, ओकरा के छोड़ देला, ओकरा अकेलापन लागल, इहे वजह से वो फिर केहूं और के पास चल गईली, और तू ओकरा पर तलाक के भी बार बार जोर देला। और ई भी तो हो सकेला कि वो ई सब तोरा से बदला लेवे खातिर कैले होखी। पर लागत बा जेकरा खातिर हम ई सब कुछ कहीनी ओकरा पे तो कौनो असर ही ना भइल, है ना? देखा कैसे रोवत बाड़ी। दादी हम रोवत नहीं की, हम अगर आपकी समझा ऐसे वो समझ गई नहीं तो हम के बताए कि वो तनु के हाथ से सैंडविच का है खात रहा ले, वो भी हम के दिखा दिखा की। अरे पागल, वो तो हर टेस्ट लेवत रहल कि तू ई सब कुछ देख के जलत बाड़ू कि ना जलत बाड़ू,
केहू के दिल के बात के पता लगावे के ई एगो बिल्कुल आसान तरीका होखेला। दादी कहीं आप सब हमार दिल रखे खातिर तो नहीं की कहत? अब एक कर तो एक ही जगह पर रिकॉर्ड अटक गई बा, कैसे समझाई एकरा? पर दादी आपके समझाए के तो पड़ी, काहे की समझ में तो हम दोनों के भी कुछ नहीं खेवत। एक मिनट, कल जेतु इतना बड़ा पहाड़ अभी के सिर पर गिरव लू ऊ चाहत तो तोहरा के घर से निकाल सकत रहे कि ना, पर ऊ ऐसा ना कैले। काहे ना कैली दादी? काहे कि ओकर दिल में अभी भी तोहरे खातिर प्यार बा, एकरा खातिर ऊ अपन इज्जत के भी परवाह ना कैला। ओकर जगह कौनो और रहत तो का करत? का करत दादी? तू ही बतावा, अगर तोहार ऐसन सिचुएशन रहत तो तू का करता? हम तो हमार मतलब बा, तू रचना के घर से निकाल देता कि ना? हम रचना शायद पता ना, डिपेंड। बाकी ऊ ऐसा ना कैला, काहे कि ऊ तोहरा से प्यार करेला, काहे कि ऊ ई ना मानल चाहेला कि प्रज्ञा केहू और के पास रहे। ऊ चाहत बाड़ा कि ई बात गलत निकले और प्रज्ञा वापस ओकरा पास आ जाए। दादी अगर ऐसन बात बा तो उकल कमरा में काहे ना सुतलन, यहाँ काहे आ गए सुते खातिर? आप हमके बताएं कि ऐसन जाती हूँ हमरा पे काहे कहले? जाती तू ना जाती ऊ कर रल बिया तोरे साथ, अभी न तोरा से प्यार कर ले न तोरा साथे रह जाले। ऊ तो हर पैसा पे सिर्फ अयासी करल चाहत बिया, और अयासी करे तो करे अभी, लेकिन ऊ तोरा अपन मन के काहे ना करे देवे ले? तोरा डिवोर्स दे के हमरा से शादी काहे नहीं के करे देवे? कलू काहे कि ऊ जौन कुछ भी करत आ रही ओकर मजबूरी बा, ऊ गलत नहीं खे। गलत नहीं खे मतलब ऊ कहल जाला ना के इंसान गलत ना होखेला, हालात गलत होखेला, वह खुद बा ओकरा साथे। का बोलत बड़ा भी तू, कैसन हालत कैसन मजबूरी, उस शुरू से लेके अब तक तोरा साथे गलत ही कैला खा, फिर तू कैसे बोल रहा बड़ा? पता बा हम भी तरह तरह सोचत रहनी, लेकिन फिर दादी हमके समझेली। का कहली दादी? दादी कुछ कहली ना, दादी हमके आईना दिखाईली के प्रज्ञा जौन करत आ रही हूँ मजबूरी न करत आ रही, वो हमरा से तंग आके ऐसा स्टेप उठेली। तंग आके देखा तनु, अब मुद्दा के बात ई बा के हम प्रज्ञा से शादी कैनी, लेकिन हमार रिश्ता तहरा साथे बा, पति हम ओकर बानी, लेकिन बॉयफ्रेंड तहार बन के घूमत रही ना। हम ओकरा मुंह पे बोल के जात रहनी कि हम तोरा से मिले जात बानी, तहार ख्याल रखत रही, तहार ध्यान रखत रही, तहार खुशी के बारे में सोच रही, ओकर खुशी के बारे में तो कभी सोच ली ना। तब प्रज्ञा के भी तो केहू चाहिए ना जो ओकर ख्याल रखे, ओकरा बारे में पूछे, ओकर ध्यान रखे, तो इस वजह से शायद ऊ जाके ऊ चंपक से दोस्ती कर ले हुई। हां ई का हो रहल बा तनु? अच्छा खासे एकरा अपन रास्ता पे लेके आयल रहनी, पर ई तब कोनो और ही ट्रिप पे जा रहल बा, एकरा वापस लाए के पड़ी। अबे तो कुछ गलत ना कैला, तोरा पता रहे शादी के बाद तू हमसे रिश्ता रखबा, हमरा से बात करबा, तो फिर का गलत कैला तू? गलत भइल बा, और हमार गलती ई बा कि हम सिर्फ तोरा बारे में सोचनी। मन्नी की शादी हमरा मर्जी से ना भइल रहे, लेकिन वो तो हमार रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे ना। हम ओकरा प्यार ना दे सकत रही, लेकिन खुश तो रख सकत रही जो हम ना कहनी। और दादी कहले के हो सकेला यह वजह से वो हमके वो सब फील करवावे चाहत बाड़ी जो हम ओकरा के फील करवैनी। दादी के तो हम कोनो दिन, अभी तू प्लीज अपन दादी की बात मत सुनल करा। का अभी तू जाने ला, हम नहीं जाने ले कि दादी कितना सीधा बड़ी, कितना भोला भाली बड़ी। प्रज्ञा जौन तरीका से दादी के समझाई बताई, दादी वैसी रिएक्ट करी हो वैसी तोरा के समझाई, पर दादी के भी तो समझे के चाहिए ना कि शुरुआत से लेके अब तक प्रज्ञा तोरा खाली धोखा दे ले बिया, और अभी प्रज्ञा के धोखा के वजह से तो ओकरा माफ कैसे कर सके? कम ऑन तनु, हम ओकरा माफ नहीं के करत। नाउ लिसन टू मी, अगर हम तोरा साथे अफेयर रख सकेली तो ऊ का है ना, अगर हमने के रिश्ता गलत नहीं किया तो ओकर रिश्ता कैसे गलत? ऊ तो वह करत आ रही ना जो उन्होंने घर में देखले बाड़ी, और जकरा हमने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर समझा था, शायद ऊ कोनो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होके ही ना। हो सकेला ऊ चंपक के सिर्फ एगो दोस्त की तरह मानत हो, और तू जाने लू आज करके लड़का लोग कैसे वाले, उनसे हाथ मिलावा तो ऊ गले लग जाले। हो सकेला कि चंपक ही चेप बनत होके बना, ई खातिर तनु हम डिसाइड कर ले बानी कि हमके प्रज्ञा के मदद करे के पड़ी, और ओकरा खातिर हमके सबसे पहले ओकरा माफ करे के पड़ी, ओकरा समझावे के पड़ी कि ऊ जौन करत आ रही ऊ गलत करत आ रही। अभी तू कहाँ सोचल जात बाड़ा? वह जौन सही बा तनु, ई गलत बा। तनु अभी तू गुस्सा में बाड़ू, ठंडा दिमाग से सोचबू तो तोरा भी सब सही लगी, अब जाके ठंडा हो जा। लेकिन अभी देख, हम कहा था नी ना कि हम तोरा बाद में आराम से समझाए, तो हमार बात मनबू की ना। तनु अब तुझे हमके बहुत सारा काम करे के बा, हमके ये भी सोचे के बा कि हम प्रज्ञा के कैसे समझाई कि वो जो करत आ रही वो गलत करत आ रही।
का हो गई? प्लान हिगला के बाद फ्लॉप कैसे हो गई? प्रज्ञा के अफेयर में अभी अपनी गलती देख रहा बा। इसे तो हम जे सोचत बनी कबू ना होके ना हमरा ये सब रोके के पड़ी। एक मिनट, अंदर का बात होकत रहे आप सुनत रही? कल रात के मिर्ची भूल गई लो? कैसे भूल सकत बानी, अब तक आंख जल रहल बा, आइस पैड लगावत रहनी हम। और बाय द वे हम वो देखत रही कि दूसरा के आंख में मिर्ची डाले वाला के जब खुद मिर्ची लगेला ना तो कैसे उछलेला। और देखनी हम अंदर मिताली, तनु और अभी के बाद से इतक कंफर्म हो गई बाकी तू शर्त जीते वाला बाड़ू, मतलब तारा ढेर सारा पैसा मिली। अब जल्दी जल्दी डिसाइड कर ला कि वो पैसे से तारा काका शॉपिंग करे के बा। थैंक यू गॉड जी। अरे दादी आप कहाँ भाग रहे बानी? भागत नहीं थी, खड़ा होके तोहरा के समझा रहल बानी। अब अभी खड़ा होके का समझाई बाप? काहे कि ई टीचर रह चुकल बाड़ी, ई भी बच्चा के खड़ा होके समझावत रहली, एकरा एकरे तरीका से समझावे के बा। अब जे कुछ भी हम बोलत बानी ना जरा ध्यान से सुनी हम। तू ही कहले रहलू ना आज हम बहुत खुश बानी, काहे कि हमार इतना बुरा बिहेवियर के बावजूद भी ई हमके प्रपोज करत बाड़ी, कहले रहलू ना? हाँ, कहले रही। अब तू ही हमके बतावा, अगर वो तोरा से प्यार ना करेला तो फिर अपन गर्लफ्रेंड के होखे के बाद भी तोरा के प्रपोज करे के बारे में काहे सोचत? और कल रात जे वो पार्टी में गुस्सा कैले, वो गुस्सा के वजह जानेलू? वो यही से रहे कि वो बर्दाश्त ना कर सकत रहे कि ओकरा हो तू कौनो चप्पू टाइप लड़का से अफेयर करा। ई ओकर जलन रहे, और जहाँ जलन हो खेले ना उहे प्यार हो खेला। जैसे तू अभी अभी तनु के साथ ओकरा देख के चलत रहलू ना, ठीक ओही से उहो तोहरा उ चंपू के साथ देख के चलत रहला। देखा बेटा, उ तो हमार नादान बच्चा बाड़ा, पर तू तो हमार समझदार बेटी बाड़ू ना। देखा बेटा, प्यार महसूस कइल जाला, कहल ना जाला। माफ कर दी दादी, I'm so sorry, गलती हमार बा। जिस तरह वो हम पे भरोसा ना कइले, हम ओहे कइनी। लेकिन I promise दादी कि दोबारा ऐसन कबो ना करब, काहे कि हम जानत बानी कि ऐसन करे से जेकरा से हमके बचाए के बना ई ओकर और करीब चल जाई ना। हम ऐसन कबो ना करब, ना इनकर प्यार पे सक करब, ना इनकरा पर कबो ना। शाबाश बेटा, ऐसे ही अपन प्यार पे भरोसा रखे के बा। जितना भरोसा रखू ना उतना ही ई रिश्ता अटूट बन जाए। और दी, जब तक जीजू और उनकर प्यार आपके साथ साथ बना तो तनु चाहे कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन वो आप दोनों के बीच में ना आ सकेली। करेक्ट। कहीं बाहर जात बड़ा? एक मिनट लेट है तू तो मिलती ना हम। कहाँ जा रहल बाड़? बेचार बानी, खाना खाए जा रहल बानी बाहर। तो खाना घर पे काहे ना ऑर्डर करत? कहे कि घर आवत आवत खाना ठंडा हो जाला। तो तू गरम खाना खाए ले बाहर जाला? इतना फिक्र हो तो साथ में खाना लेके आओ। तू मुद्दा के बात करत न? उ लड़का कहाँ बा? कौन लड़का? उहे जेकरा हमने प्रज्ञा के बॉयफ्रेंड बनेले बानी। खात होगी कहीं धक्का? अरे एक्टर बा, एक एक के बाद दूसर जॉब खातिर खोजत हो कि दूसर जॉब और का? हाँ, तो इससे पहले ओकरा कोनो और जॉब मिले ओकरा वापस बुला ला। कहे अभी के साथ साथ ओकरा पे बुद्धि लागिल का? कम से कम बात तो अच्छा करल करा, ओकरा वापस बुलावा कहे कि हमने की ओकर जरूरत बा। कहे ओकर का जरूरत बा? दादी हमने के प्लान फिर से खराब कर दी। का कहली? दादी अभी के दिमाग में ही बात डाल दे बड़े की शादी के बाद अभी हमरा से अफेयर करके गलत नहीं की तो प्रज्ञा कैसे गलत हो गई, और शादी के बाद जॉन प्यार प्रज्ञा के अभी से मिले के चाहिए। वो प्यार ओकरा अभी से न मिला लही से वो बाहर अफेयर कर लेला, और अभी समझ रहल बा कि सारा गलती ओकर बा, और ये गलती भी उहे मान रहल बा जे काहे कि प्रज्ञा के लव स्टोरी शुरू हो गए। यार तनु, हमके एगो बात बतावा, ये दादी सरला आंटी टाइप्स के प्रॉब्लम का बा? कबो सोचने प्रज्ञा के छोड़ के बुढ़न के? एक मिनट, ये सब कुछ सोचने के पहले अभी के बारे में सोचा।
वो कुछ अलग ट्रिप पे चल रहा बा। वो प्रज्ञा के सजा देवे के बजाय यही सोच रहा बा कि प्रज्ञा की मदद कैसे करी, ओकर केयर कैसे करी ताकि वो गलत लड़का में ना फंसे। तनु, अभी हमने के का कर सकेंगे? What can we do? I think वो चंपक के अभी मेहरा हाउस में बुलाओ एक दो दिन खातिर। अभी जब वो चंपक और प्रज्ञा के एक साथ देखी तो ओकरा जलसी होके और जलसी ओकला के बाद ओकरा गुस्सा आई, और जब इंसान के गुस्सा आवेला ना तो गुस्सा में इंसान के दिमाग काम करल बंद कर देला। तनु बहुत चार्ज करेला यार। हां तो ओकरा अलावा और कोनो काम कर सकेला हमनी के? ना ना, तो ओकरा जल्दी बुलावा एकरा से पहले कि अभी प्रज्ञा के हेल्प करे, दोनों के रोमांस फिर से शुरू हो जाए। वो चंपक के बुलावे के होके हमनी के बात करे से पहले हमके ओकर मूड ठीक करे के पड़ी, और मूड ठीक करे खातिर हमके ओकर पसंद के काम करे के पड़ी। लिख लेत बानी, ओकरा पढ़ल पसंद बा ना, कुकिंग पसंद बा, शॉपिंग ना पसंद बा। ई तो वापस आ गईले, मतलब दादी सही कहत रहली, इनकरा अब भी हमरा पे भरोसा बा। ई तो इतना जल्दी रूम में आ गईली और हम अभी तक डिसाइड ना कहनी कि हमके करे के का बा। कितना अच्छा लागत रहनी हम दोनों कल एक साथ, बस वो चंपक ना आयल हो तो ये हमरा प्रपोज कर देतन, और फिर हम दोनों इतना दूर ना बैठल होती। अब का करी, ये बैठल रही या ओकरा पास जाई? अभी तू भी ना ओकरा समझावे के बाद ओकरा पास जाए के समझावे के पड़ी ना। तो हमरे पास आ रहल बाड़े। ध्यान रखिया, अगर वो एक कदम तोहरा तरफ बढ़ाई ना तो दू कदम बढ़िया, काहे कि जितना गलती ओकर बाना ओकर से ज्यादा गलती तोहार बा। दादी इतना बता दिल की करे की कबा, पर ई काहे ना बतावली की पास आई तो का करे के बा? हमें डिसाइड तक कर लेनी कि हमके करे की कबा, बाकी ई ना डिसाइड करनी कि पास जाके का करे के बा। कल जौन कुछ भी भइल ओकरा बात तहरा और गिरे के ना चाहत रहे। रात में जो कुछ कल ओकरा बात तब पकड़े के ना चाही। तू गुस्सा काहे होता रू? हम तभी के बात करत रही जब तू गिरलू। हम तब के बात करत बानी जब आप तनु के हाथ से सैंडविच खात रहला। ओकरा छुए के बाद हमरा के छुए के जरूरत नहीं की, छोड़ा हमके। रिमेम्बर आई टोल्ड यू यस्टरडे कि हमनी के बीच हमने कोनो एम्प्लॉई और बॉस के रिलेशनशिप नहीं है, ई खातिर सब खत्म हो गेल। अब हम तोहर कोनो बात ना सुन, अब ना छोड़त तरह के। तो मैं छुड़ी उठाए रखी, जब थक जेबा खुद छोड़ देबा। एवरीडे एक्सरसाइज, दूदू के एक साथ उठा सकेली, दूदू के एक साथ एवरीडे एक्सरसाइज। आपकी तो जरूरत भी बा, एगो तनु और ओकर बच्चा दोनों के उठावा। ये का रहे? This is कर्म के फल। कर्म के फल? जैसन कर्म आपके बना, आपके तो रोज रोज फल मिलत। देखा हमके गुस्सा मत दिलावा ना तो हम फिर से कमरा छोड़ के चल जाई। तो चल जा, गुस्सा हमरा भी आवेला। आप एक कदम पीछे जाई बना, हम चार कदम पीछे जाई। अरे चार का 400 कदम पीछे जा, परेड लगावा हमके काबा। परेड तो हम आपके लगवाई, हम बॉस बानी। अरे बहुत देखेली तारा जैसन बॉस। बहुत देखले बानी आपकी जैसन रॉकस्टार। बहुत देखले बानी। चला दू के नाम गिनावा। एगो
और दूसरा मूड नहीं है। अरे मूड नहीं है तो मैदान छोड़ के कहे जाता रू? मैदान हम छोड़ के भगत बानी, कल रूम छोड़ के गल रहा है हम की आप? प्रज्ञा मैम, आ गए ना लाइन पे। प्रज्ञा प्रज्ञा बोल दिया ना प्रज्ञा मैम। लाइन पे ना, दरवाजा पे आयल बा। रॉबिन का भेल? मैं वो नीचे की आपसे मिले आयल बा। ओ नो, कहीं मां तो ना आ गई नी? उहे होखी जरूर अम्मा उनकर कुछ कह देले होखी, जिकरा से परेशान हो के वो सीधा ही आ गई नी। अब का करी, कैसे संभाले उनकरा? माँ से कही हम 2 मिनट में आवत बानी। मैम आपके माँ आपसे मिले देखी आयल? तो क्या आयल बा? मैम वो पार्टी में जो आपके फ्रेंड आयल रहले ना, चंपक दास त्रिवेदी। माँ के वेट करवा उतारी और चंपक के नाम सुनाती भाग गई ली। आखिर बाह का ही चंपक, आज तक पता लगावे के ही पड़ी। ठीक से दिखाई देवत बा या टेलीस्कोप लेके आई? दूरबीन? ना ना, हमारा आँख ना बिल्कुल ठीक बा। और हमारा आँख भी बिल्कुल ठीक बा। आँख तो ठीक बा, पर हमरा ऐसन काहे लगत बा कि आप दोनों के नियत ठीक नहीं थे? हमार मतलब ई बा कि जैसन कि आप लोग के दिखाई दे रहल बा कि शर्त हम जीत गई बानी, तो शर्त के पैसा देवे में ना उ का बा कि हमरा ना हाथ में खुजली बहुत होखत बा, तो दे दी शर्त के पैसा हमके? अभी हमरा पास कैश नहीं थे, बाद में दे दे। चला कोनो बात ना, कैश नहीं थे ना, अपन कार्ड दा हम एटीएम से निकाल के लावा था। हमार कार्ड ना ब्लॉक हो गई बा। कहे? परसों गई रहली एटीएम, हम गलत पिन डाल देनी और वो ब्लॉक हो गई। चला कोनो बात ना, अभी फिलहाल का दिन तुम्हारे पर्स में जितना पैसा बा सब दे दा। दे मम्मी, दे 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 दे। इला पापा जी देखिए। चला भागत भूत के लंगोटी सही। मासी जी आप कहा चलनी, आपके बारी बा अभी। बेटा ई बार तो तू हमरा माफ कर दा, अगला बार ना हम तारा के दे दे। चला बेटा कोनो बात ना, मासी जी बड़ बाड़ी कहतारी ता ए बार छोड़ देता नी, अगला बार अगर इस शर्त लगेली ता इनके भी मत छोड़िया। ठीक बा पापा जी, आप बोल रहे बानी ना तो हम इनके छोड़ देता नी। एगो बात और सुनत जाई, अगर हमार और मम्मी जी के बहस भइल ना तो आप मम्मी जी के ना हमार साथ देबो, हमार टीम में रहबो। प्रॉमिस, हम बिल्कुल तहार टीम में ही रहब, तहार रहब, और कुछ नहीं ना? ठीक बा। इतना तो आई दादी, दादी दादी बहुत बड़ गड़बड़ हो गई। अरे का भइल दादी? वो कल वाला चंपू, चंपक त्रिवेदी, वो आ गई बा नीचे। वो का है इला? हाँ के बुलबले ओकरा? पता ना दादी, बस आइल और आके रोबिन से कहले कि जाओ जाके अपन प्रज्ञा मैडम के कहा कि चंपक आइल बा ओकर बॉयफ्रेंड। अरे ऐसन कहलसु? अभी तो नहीं के सुन ले। पता ना दादी, रोबिन गइल तब अभी जीजू के रूम में। अरे ना, फिर तो गड़बड़ हो ही जाए। हे भगवान, कितना मुश्किल से हम सब कुछ संभाले रहनी, इतना लंबा चौड़ा हम दोनों के लेक्चर भी दिले रहनी, अब वापस कैसे संभालब? हे भगवान, ई चंपक के बच्चा ई तो हमार घर में गड़बड़ कर दी ही, वो दोनों के रिश्ता में फिर जहर घोल दी ही, तो क्या की मुसीबत तक खत्म ही नहीं होगा। बड़ा जल्दी वापन बॉयफ्रेंड से मिलेगे का बात बा? उक्का नाम सुनते ही तोहार तब पर निकल आवेला। बकवास बंद कर और साइड हटा। अरे साइड काटे के बा? तोहार जब इच्छा होखेले तो उकरा से मिले चल जालू, उकर जब इच्छा होखेले उ तरह से मिले चल आवेला। तू दोनों शादी काहे निखे कर ले बता? शादी तो तोहार होकी उ भी निखिल के साथ, ताकि तू अपन घर में खुश रहो और हम अपन घर में। और ये चंपक के जो तू घर में लेके आल बड़ो, एकर खामियाजा भी तोहरे भरे के पड़ी, काहे कि ओकर तो आज मुंह हालत करे वाला बानी, वो सीधा हो जाएगी। और हाँ, हमारा रास्ता में आयल बंद कर दा, वरना कभी सचमुच सीढ़ी से गिर जाए।
आई। स्वागतम सुस्वागतम। धन्यवाद। आपके दोबारा हमनी के घर में देख के हमरा बहुत ही आनंद प्राप्त हो खतबा। और आपके भी होखी जब हम आपके बहुत आवभगत करब। ओकर कोनो आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ प्रज्ञा जी से मिले आयल बानी। हाँ हाँ, काहे ना, आप प्रज्ञा से ही तब मिले आईब, तनु से तना। जी, हम कुछ समझनी ना। ओह, आप कितना भोला बड़ा, शायद यही से आपके नाम चंपक बा। जी? ना ना ना, अब का बना, डबल मीनिंग डायलॉग, दुई अर्थी संवाद, ये आपके कैसे समझ में आई? हमार तो आदत है बा इस तरह से बात करे ली हम। आज सुबह जब हम अभी और तनु के बात सुननी, हमरा तो तबे पता चल गए रहे कि तनु तोहरा वापस जरूर बुलाई। चंपक, अब जरा आईना इधर। आपके एक्टिंग के अलावा, हमार मतलब अभिनय के अलावा कुछ और काम आवेला? मिताली भाभी, अब इनका खातिर जरा चाय नाश्ता लेके आई। अब हाँ प्रज्ञा, कहे ना, हम इनके ये तो कहत रहली कि आज हमनी के मेहरा हाउस में ना इनकर बहुत ही आव भगत होगी। कराला जितना सेवा हमसे करावे के बाद चंपक, बाद में हम सब तो से वसूल कर ले। कहे कि तू जानेला कि तू बहुत जल्द ही हमार कमाई के जरिया बने वाला बड़ा। तू आइला का ही यहाँ? कल हमार बदे खराब करके तुहार मन्ना भरल, आप का चाहत बड़ा? कैसन बात करत नहीं प्रज्ञा जी, आप हम आपके अलावा और का चाहब? हमार इच्छा तमन्ना अभिलाषा सब आपे ते बानी। जात बानी। कल रात भर हम ठीक से सूतना पैनी तो ऐसे हम यहाँ आपसे मिले चलिए नहीं। कहे कि अगर हम आज आपसे ना मिलते तो आजो ना सुत पैती हम। हमार भावना के समझी प्रज्ञा जी? तू ना ये अपन विविध भारती प्रोग्राम कहीं और टेलीकास्ट करा, समझ ला? यहाँ से जल्दी निकल जा वरना तोहर ये मूछ निकाल के तोहर हाथ में दे दे। ये नकली नहीं खे बा मूछ, हमार प्रेम और मूछ दोनों असली बा। और आपे तो हमार प्रेम के स्वीकृति दे ले रहनी और सबके कले रहनी कि हमार और आपके प्रेम संबंध बा। हाँ कले रहनी, लेकिन वो एहिला कले रहनी कहे कि हमार पति हमरा पर भरोसा ना करत रहे, इसे हमरा के उन पे गुस्सा आवत रहे, लेकिन ओकरा पे हमरा पछतावा बा। देखा हमरा के अपन गलती के एहसास हो गल बा, तू अपन गलती मान लो और चल जाई यहाँ से, यहाँ तोहार दाल ना गले वाला बा। ई का कहत नहीं प्रज्ञा जी, हमार दाल पर छौका लगा से आपो के गलावे से मना करत नहीं। देखा देखा, हम आखिरी बात उसे कह बानी कि जे तहार नाटक बना अभी के अभी बंद कर दो, काहे कि हम जानत बानी तोरा यहाँ के लेके आई बा, तू केकर प्यादा बड़ा, समझ गयी ला? अगर तू एक और चाल भी चलना ना तो हम तोहर ऊ हसरा करब की एक्टिंग का या अपन शुद्ध हिंदी भी भूल जाइबा। ओ गॉड जी, ये प्रज्ञा के तो पहले से ही पता रहा, मतलब हम बेवजह ही एकरा वजह से अपन आँख में मिर्ची डलवा लेनी। किंतु प्रज्ञा जी, किंतु परंतु कुछ ना, याद रखिया हमार पति सिर्फ हमार बा, हम दोनों के बीच में क्यों के ना आवे दे बा, और जी कोई भी हमनी के बीच में आपकी कोशिश कलक ना वो हमेशा पछताएल बा, समझ ला? यही से अभी की अभी यहाँ से निकल जा। प्रज्ञा जी, प्रज्ञा जी, आपको छोड़ के कैसे जा सकी? नहीं प्रेम करे नहीं आपसे, आपके बिना हमार जीवन अधूरा बा, हम सत्य कह रहल बानी, हमार आँख में देखी। तू ऐसे ना समझ बा, हम समझावत बानी। देखा हम कहले रहनी ना कि हमनी के प्रेम संबंध बा, तो उस संबंध के हम ये खत्म कर रहल बानी, समझ ला? अब का करी ये सिचुएशन में, हमके का करे के बा, इते के हमके बतैला सी ना। अब का सोच रहल बाड़ा कि जो लोग तोरा यहाँ लेके आयल बाड़े वो तोरा बचेगी? अगर तू ऐसे सोच रहल बाड़ तो तू दुनिया के सबसे बेवकूफ इंसान बड़ा। काहे कि जो लोग ई घर में हमार वजह से बाड़े वो लोग तोहार मदद कैसे कर सकेले? और हाँ, ई तनु की जो हालत बना बस ऊहे वजह से हम एकरा ई घर से निकाल के बाहर न फेंकनी, बस ओकर माँ बने के इंतजार करत बानी। एक बार एकर बच्चा ही आए ना तो ई घर से चेकआउट करनी। किंतु प्रज्ञा जी, तू का सोच रहल बड़ा? अब तू अपने आप जाइबे या तू वो एकर बच्चा के आए के वेट करबा?
प्रज्ञा जी, हम आपसे बहुत बर्दाश्त कर लेनी। हम समझ गए, लात के भूत ना बात से ना समझे ले। तू चला यहाँ से। किंतु चुप, एकदम चुप। प्रज्ञा जी, प्रज्ञा ही चंपक के घर से काहे निकला था? शायद ही ना चाहत भी कि हम उकरा से मिली। लेकिन अगर हम उकरा से मिलब ना, तो प्रज्ञा के समझाइब कैसे कि चंपक उकरा लायक नहीं खे। एकरा तो रोके के पड़ी। काहोत भाई जा। रानी प्यादा के लड़ाई में राजा भी आ गए, लेकिन अब बाजी के चली और के जीती। अब पलटी बाजी, अभी प्रज्ञा के चंपक के हाथ पकड़े देख ले ले। अब तक गैल प्रज्ञा। तू तो गैला चंपक, रॉक स्टार अगर तोरा के मरलस तो पता नहीं हम यहाँ उठब कि हॉस्पिटल में। वेलकम जमाई राजा। काबाद बाज बिना पार्टी के पहुंच गेला, हाँ? But let me tell you के perfect timing। अभी हमने लंच ही करे वाला नहीं। Come on, join us for lunch। सही टाइम पे आयल वाला। धन्यवाद। परंतु हमरा के अभी भूख नहीं खे। अरे भूख के काबा? खाना के देखा थी ना? भूख लग जाला। और वैसे भी बर्थडे वाला दिन तू केक भी ना खेले रहा। Right? तो आज तक खाई के ही पड़ी ना? Let's go eat, चला। आप इतना आग्रह करता नहीं तो हम मना कैसे कर सकेला? आखिर आप हमार प्रियतमा के पति परमेश्वर जन बानी। का चॉइस बात आ रहा? बिल्कुल तरह तरह बात करेला ही। अरे रॉबिन, जल्दी से खाना के इंतजाम करा, दिखात नहीं के हा? जमाई रह जाहिल बाड़े। और तनु एक काम करा, तू हमार धर्म पत्नी के प्रेमी परमेश्वर के खाना के इंतजाम करा, जा भोजन वोजन के इंतजाम करा। हम किचन में जाई। प्रॉब्लम कबा? जब ही तारा बॉयफ्रेंड खातिर किचन में जा सकेली, तो तू एकरा बॉयफ्रेंड खातिर किचन में काहे ना जा सकेली? हां, गुड गर्ल। तू खड़े खड़े का देखत बाड़ू? अरे हमनी के मेहमान बड़े तो तहार भगवान बड़े। जाके जाके खाना के तनी से इसे टच कर ला, काहे कि तहार हाथ लागत ही पता ना काहे खाना के स्वाद ही बदल जाला। प्लीज गो। दासी, मम्मी जी, हमरा तो ऐसा लग रहा बा कि अभी ना अभी अपन बॉक्सिंग ग्लव्स लेकर आई और ये चंपक के जे धुनाई करी ना, एकरा मजा ही आ जाए। लगाई कोई शर्ती बात पे? लगावा लगावा। सुन, तार ऐसा लगत बना तो इसने होगी, हमरा कोई शर्त ना लगावे के बा। तू अपन साथ से पूछ ला अगर वो लगावे चाहत बनी। का मम्मी जी, का बोलत बानी? हम तोहरा पहले पुराना पैसा चुका दी, ओकर बाद सोचब शर्त लगावे के। अरे आप लोग खड़ा होके ऐसे काहे देखत हनी? कोनो बॉक्सिंग मैच थोड़ो ना चलत बा। अभी खाना उना खाए के बाकी ना, जाके हाथ मुंह धो के आ जा। गो क्विकली। और तू हमरा साथे चला। रॉबिन। यस मैम। तू घूमत काहे बाड़ा? मैम वो चेकिंग। अच्छा, कर कर। तू यहाँ का करत बाड़ू? तू हमरा ऑर्डर देवे आयल बाड़ू? हाँ, देखो तू ये बोले बाड़ा ऐसन करे खातिर। अभी के होका गेल बा? चंपा की डांटे की जगह ओकरा अपने साथ लंच करवा रहल बा, घर से निकाले के जगह ओकरा सर पे बिठा रहल बा। हमके भी कुछ समझ में ना आ रहा है। अगर उनकरा कोई बात करे की बात हमरा से करे, ओकरा का है अपना साथ? कहीं चंपक की मारे वाला था ना? हाँ, ऐसन हो सकेला। अभी की भरोसा ना। उनकर गुस्सा भी तो मुंबई के बारिश जैसन बा,
कभी भी बरस सकेला और तू तो अच्छा तरह से हम तोहरा से काहे बात कर हम तोरा से काहे बात कर रहल बानी रॉबिन खाना लगाओ अगर ये ओकरा मारे के प्लान बनावत बाड़े तो हमरा उनकरा रोके के पड़ी डॉक्टर ठीक बा मार अब बिल्कुल ठीक ना तनु अगर अभी ओकरा मार लगता मारला से बचे खातिर कहियो चंपा को ओकरा सब सच ना बता देवे ओकरा रोके के पड़ी दादी 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 का हो रहल बा दादी हमरा तो कुछ ठीक नहीं खे लग रहा ई जीजू ओकरा से इतना अच्छा से कैसे बिहेव कर रहल बाड़े वे तो हमरो समझ में ना रहल बा इतना अच्छा से समझेले रहनी फिर भी पता नहीं का कर रहल बा हमरा लगत बा एके सदमा लग गइल बा दादी आप इतना दूर के मत सोची हां हमरा इतने दूर के ना सोचे के चाहिए हमरा एकरे से पूछ लेवे के चाहिए ना हां दादी ई ठीक रही कहे कि अब एक ही आदमी हमनी के बता सकेला कि का होखे वाला बा के ओफो दादी जीजू और के कंफर्टेबल जी धन्यवाद यार एकरा रोक तो लेनी बाकी अब आगे का करी कैसे साबित करी प्रज्ञा के कि ये चंपू ओकर बॉयफ्रेंड बने लायक तक आप फ्रेंड बने लायक भी नहीं के हाँ आइडिया अरे यही रखे लेना ताऊ जी देखे ली शायद कुछ पढ़ा लो के तो होबे करी जी ना हमी पी लाना तो अग्नि उपकरण कहां से रखब अच्छा 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 तक आप ये ला चरस गाजा अफीम ड्रग्स अर्थात हम कोनो भी तरह के धूम्रपान ना करेला तो चबावेला हां तंबाकू अभी जी हम कोनो भी प्रकार के नशा के सेवन ना करेला ये सब आपके फेफड़ा गुर्दा और कलेजा खातिर हानिकारक होखेला और आपके मस्तिष्क के भी हानि पहुंचावेला जैसे आपके विवेक अर्थात सोचने की शक्ति भी क्षीण होके लगेला जैसे मनुष्य निराशा और उदासीनता के अंधकार में चल जाला और खुद अपना आपके पतन कर लेवेला ई नशा के सेवन तक समझ में ओकरा बाद तू हमरा के गाली त ना देला ना कोना भाषा में बात करत रहला अभी जी हम हमेशा अपन मातृभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी में ही बात करेला अरे हमार भाई हिंदी में तो हम भी बात करे लेकिन हमार हिंदी तहरा हिंदी जैसन काहे नहीं अभी जी आप जो भाषा के प्रयोग करे नी भ्रष्ट बा ओकरा में अन्य भाषा के भी समावेश बा जे में 25% हिंदी 25% अंग्रेजी 25% उर्दू और 25% स्थानीय भाषा के मिश्रण बा ना ना हमार भाई हम जो उन बात करेली ना वो 100% बात करेली या पूरा के पूरा इंग्लिश होगी या पूरा के पूरा हिंदी ये हमने मिक्स ना करेली अच्छा तो हमारे को प्रश्न के उत्तर हिंदी में दी इंग्लिश और उर्दू शब्द के प्रयोग ना करब बोला कल्पना करिए अभी जी आपके घर के सब वाहन खराब बा और आपके मुंबई से अहमदाबाद जाए के बा तब आप का करब इट इज सो सिंपल हम कोशिश करब के अहमदाबाद से ट्रेन लेके जाएं ना तो शाम के वक्त हम हवाई जहाज लेके जाएं हवाई जहाज एंड नॉट अ प्लेन कोशिश उर्दू भाषा के शब्द बा और ट्रेन इंग्लिश भाषा के शब्द बा देखनी हम कले रहनी ना कि आप शुद्ध हिंदी में बात ना करें नहीं पड़ोसी वड़ोसी के हुई प्रोफेसर बा अभी मत कहिया कि तू प्रोफेसर बा बिल्कुल सही कहनी आप हम हिंदी के ही अध्यापक बने अध्याका कहिला अध्यापक अध्याका अध्यापक पक तू पक पक वाला काम कहे अच्छा भाई तू आगे लो हमके तोरा से बहुत जरूरी बात करे के बा तू चला हमरा साथ अरे लेकिन अरे अपन पक पक बंद करा ये भी प्रज्ञा के कहां ले गई ओके ये अब जरूर अकेले में डांटी इस सीन तो मिस नहीं कर सकेंगे।